वाले बाबा का था, डैडी वो डैडी, ये अनुष्ठान करने जो का। नीम करोली बाबा हों या हीरा खान बाबा हों, दोनों अपने भक्तों को जो देना चाहते हैं वही देते हैं, जो उनके लिए अनु उचित होता है ना, उससे न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो आप अपने जैसे जीवन में उस टाइम अड़ गए कि भाई मेरा ये जीवन चेंज करो, नीम करोली बाबा ने बोला था कि आपके बहुत परेशानी आएंगी और आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, तो आपने बोला ये मेरा जीवन चेंज कर दो, तो उसके लिए आप नहीं माने और आपने उनको बोला कि आप तो सब कुछ सृष्टि के कुछ सृष्टि को चेंज कर सकते हो, तो आप में तो हो सकती है शक्ति मतलब। है। तो वो जो एपिसोड था उसके बारे में आप बताओ ना, कि नीम करोली बाबा और जो हीराकान बाबा के पास आप गए तो उस टाइम क्या हुआ, जो आपकी कितनी कोशिश करने के बावजूद भी। सबसे पहले तो इससे पहले जो है नीम करोली बाबा के पहले तो हेड़ा खान बाबा थे, ये चीज़ हुई थी। मेरा पीरियड बहुत ख़राब चल रहा था, यानी परेशानियां हो रही थी, हर तरह की परेशानियां थी, घरेलू भी थी, बिजनेस की तो इतनी नहीं थी कोई भी। लेकिन उसके अंदर उन्होंने तब उनसे ये कहा गया था कि भाई इसको कैसे भी सुधारो आगे की, ताकि परेशानियाँ ख़त्म हो जाए जैसा भी हो। तब मैंने बहुत वो किया तो हेड़ा खान बाबा ने जो है कहा, लाओ मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करता हूँ। ये है उसकी कटघरिया में। कटघरिया की है। उस टाइम ये नए नए प्रकट ही हुए थे, पहली दफ़े हल्द्वानी के अंदर उस टाइम की ये बातें हैं। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे ये कह दिया, साहब मैंने कहा मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि मैं कुछ खर्च कर सकता हूँ। वाकई में बहुत परेशानी थी उस वक्त, पैसे से भी टूटा हुआ था, हर तरह से टूटा हुआ था उस वक्त। तो कह ले कोई बात नहीं, फिर भी मैं अनुष्ठान करवा देता हूँ तुम्हारा करके। तो उन्होंने करा, इंतजाम करा। जब इंतजाम किया तो एक पंडित जो है उनमें से अड़ गया। वो कहने लगा था, मेरे को तो नई धोती और नया ये चाहिए, जब मैं अनुष्ठान में बैठूँगा, वरना मैं अनुष्ठान में नहीं बैठूँगा। तो बात जो है वो यहाँ अटक गई, रुक गई। अब वो कहने लगे, तो मान नहीं रहा है। मैं मान नहीं रहा तो अपने पास पैसे नहीं है, सीधी बात है, छोड़ो। फिर वो क्या है, यूँ करके वो अनुष्ठान जो रजिस्टर्ड है नहीं हुआ, वो यज्ञ नहीं हुआ ही होने नहीं। पाया, वैसे ही रह गए। फिर इसी तरह से धीरे धीरे करते करते, जब जाता मेरा उनसे बहुत संपर्क था नीम करोली बाबा से, तो उनके पास मेरा तो बहुत जैसे उन्होंने तो पहले ही इतना मना कर दिया था कि सारा ये भुगत लो भाई, नहीं, मैं ये बाद में उन्होंने बोला था। अच्छा। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे जिद करी कि मैंने कहा, ये जो क्या हालत ख़राब होती जा रही है, रोज़ दिन पे दिन, दिन पे दिन ख़राब आता जा रहा है, आज का दिन से तो दूसरे दिन से भी ख़राब आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको तुम बदलो। और आप बदल सकते हो, क्योंकि आपने बहुतों का किया है, मैंने खुद ने देखा है, मेरे सामने भी काफ़ी किया है। तो जब मैंने जिद करी, नहीं वरना फिर मेरा क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम इसको इस जीवन में भुगत लो, ताकि जो है अगला जीवन तुम्हारा जो अच्छा होने वाला है, बढ़िया जीवन आने वाला है, उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा, बाबा अगला किसने देखा है, पिछला किसने देखा है, अपने तो ये प्रेजेंट देखा है, वो अभी वाला के क्या हो रहा है, पीछे हम क्या थे, हमें अभी भी नहीं मालूम हमने क्या किए और क्या किया क्या नहीं किया, वो भी हमें नहीं मालूम, और आगे का हमें नहीं मालूम, हमें क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलना। आप तो ये जीवन को सुधारो जो ये अभी चल रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल सफा मना कर दिया, कहने लगे, बोले मैं आपका जीवन जो है ना बर्बाद नहीं करूँगा, अगला जीवन ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि अगला जीवन आपका ये है। और अगर मैं कर भी दूंगा अभी तुम्हारे को, तो ये तुमको क्या है, अगले जन्म में तुमको भुगतना तो पड़ेगा, इससे पीछा तो तुम्हारा छूटेगा नहीं जब तक कि भुगतोगे नहीं। तो इससे बढ़िया ये एक ही जीवन में क्यों नहीं निपट लेते सबसे, वो ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने बहुत जिद करी और उन्होंने मेरे को नहीं किया, फिर भी उन्होंने इतना तो कहा था कि तुम्हारा बुढ़ापा जो है बहुत अच्छा निकलेगा इस जीवन में अभी, लेकिन ये भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा, फिर बाबा, मैंने कहा, फिर मेरे, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे दिनों के अंदर तो तुमने मेरा सब कुछ किया, और जब बुरे टाइम आया तो आप हाथ मतलब हाथ दूर कर रहे हो अपना, तो ये तो अपनी समझ में नहीं आया। जब भुगतना ही है तो फिर आपके पास आने से करने से मतलब क्या, ये भी होना था, मेरे को जो फ़ायदा होना था या मेरे को जो होना था वो आपके खाने पर वो अपना आप आ गया, मैं आपने मेरा फ़ायदा कर दिया। अब आपने नहीं किया तो आपने मना कर दिया, तो इसका मतलब है जो होना है वो तो होके रहेगा, तो फिर क्या सोचना, फिर ज़िंदगी को छोड़ो, चलने तो इसकी रफ्तार के ऊपर जैसे चल रही है। उसके बाद में मैं बाबा से
नहीं मिला। नहीं पर फिर उन्होंने फिर वो फिर उन्होंने मेरे से कहा, जब मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा अब, तो उन्होंने मेरे को 10 साल का पूरा बता दिया। नहीं पर उन्होंने फिर वो किया था ना वो। अच्छा फिर एक बार उन्होंने बहुत जब बहुत जिद करी इसी टाइम के अंदर, तो कहने लगे ला मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो अनुष्ठान में मैं राजी हो गया। मैंने चलो अनुष्ठान करो। तो कहने लगे तुम यहाँ से एक तीन को घी लेकर के आना। एक तीन तीन ये बड़ा आता था पहले, बस कम पैसों का आता था, 200-300 के आसपास में आ जाया करता था। मतलब 400 रुपये का खर्चा मेरे को उन्होंने बताया। अब मेरे पास तो पैसा था ही नहीं, मैं 400 कहाँ से लाता। बोले आप जाओ और हल्द्वानी जाके लेके आ जाओ। मैं हल्द्वानी आया, हल्द्वानी आया तो मेरा तो दिमाग बदल गया। मैंने कहा यार 400 रुपये में तो महीना निकलेगा अपना, खाने पीने का राशन पानी अकेलेगा इसके अंदर लगा देंगे, जैसे क्या होने वाला है कल को नहीं हुआ तो। उन्होंने फिर तो मैं फिर बाबा से नहीं मिल तो गया। उनका जो कहा था वो ही हुआ, मतलब उन्होंने जो मतलब उन्होंने भी इस चीज़ को टाल दिया। जब दो जगह से टल गया तो हमें पक्का हो गया कि भैया ये तो निमटना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ उसको भुगता अब भुगत लिया। अब तो टाइम तो निकल ही गया, अब तो अच्छे टाइम में चल रहे हैं अपने आराम से, बुढ़ापे की जिंदगी गुजार रहे हैं जैसा कि उन्होंने। तो आपका अभी जो जो प्रेजेंट जो भी लोग हैं उनके लिए आपके लिए आपका क्या मेरा अनुभव अनुभव अपने जो है मेरा अनुभव यही है। मैंने अपनी तरफ से आपको क्या मतलब आप उनको सुविचार क्या है आपके उनके लिए अभी क्या करना चाहिए उनको, किनको इस जो भी अभी नई पीढ़ी है उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भाई लाइफ आसानी से निकले या परेशानी में हो तो भी उसको वो पार कर जाए। सबसे बड़ा तो आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ना बुरे काम करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है, यानी किसी भी तरह बुरे काम मतलब कोई भी तरह का अनापना अनशन खाना पीना, लोगों को किसी को धोखा देना, किसी का छीन लेना, किसी को कोकर देना, यानी परेशान करना, ऐसे आदमियों का संकट जो है ना जीवन में वो लगता तो उनको अच्छा है फिलहाल, लेकिन उनको इसका अंजाम तो भुगतना पड़ता है, बच नहीं सकते उस टाइम तो वो उसका ठीक है, उस टाइम तो उनको पता नहीं है ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो अच्छा लगता है सब अच्छा लगता है पर वो आगे भुगतना। लेकिन जब उम्र गुजरती है उम्र का जब टाइम आता ना तब वो रियलाइज़ करते हैं कि यार हमने बहुत बुरा किया जिसके हमें अब भुगतान करना पड़ रहा है, और भुगतान तो मैंने भी अंदाजा लगा। क्या संदेश है नई पीढ़ी को आपका क्या सबको करना है, इसलिए जो है आजकल की पीढ़ी को जो है ना ज़्यादातर जो है ना अच्छे कर्म करने चाहिए, मतलब लोगों की भलाई करनी चाहिए, अगर भलाई नहीं कर सको तो बुरा तो नहीं करना चाहिए किसी का, अपने जीवन को सादगी से गुजारो आराम से गुजारो तो आगे के लिए भी अच्छा रहेगा और जीवन में आएगा थोड़ा खुशी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं मिलती है, आनंद भी मिलता है। ठीक है डैडी, धन्यवाद आपका, भोले बाबा की जय, जय करोली महाराज की। अच्छे काम का तो फायदा अच्छा होता ही है, सीधी बात है, बुरे का बुरा नतीजा मिलता है, सब जानते हैं लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लेकिन क्या है वो कर तो जाते हैं लेकिन बाद में परेशान भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, परेशान होते हैं बहुत होते हैं, तो कैसे भी हो। धन्यवाद डैडी, थैंक यू।